नाउ व्हाट इज इनसाइड दिस आर्टिकल, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया उन्होंने आर्टिकल भी, कुछ समझाने का इसके अंदर कुछ लिखने का नहीं है. व्हाई इज डेट सो इनकम टैक्स, यू आर अवेयर हाउ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स, रेट्स पता है, टैक्स टेबल यूज करना आता है इंडिविजुअल्स के लिए. कॉरपोरेशन टैक्स इज फॉर द कंपनीज 19% पे जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. उसके बाद है NICs, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड अपने अपनी कैटेगरीज अपनी क्लासेस के हिसाब से सबमिट करा रहे होते हैं. ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स कि वो आपको क्वेश्चन क्या देता है. यूजुअली अब ये सारी एग्जांपल्स हैं, अभी हम करते हैं इसको. टिपिकल सिनेरियो माइट बी कंसिडरेशन ऑफ वेदर एन इंडिविजुअल शुड ऑपरेट एज अ सोल ट्रेडर और एज अ लिमिटेड कंपनी. अब वो ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, डेटा देगा और पूछेगा कि क्या इसको, अगर सपोज करो ये सोल ट्रेडर है तो इसके टैक्स के क्या सिनेरियोज हैं, या अगर ये कंपनी है तो इसके टैक्स में क्या सिनेरियोज हैं. अब मुझे खुद सोच के बताएं, अगर वो सोल ट्रेडर है, ठीक है, तो उसके टैक्स के क्या सिनेरियोज होंगे, कौन सा टैक्स उसको पे करना होगा. इंडिविजुअल्स वाला टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, राइट. और इफ इट्स अ कंपनी देन ही वुड हैव टू पे द कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स, और इनकम टैक्स उसकी जितनी भी इनकम बनेगी टोटल उस पर उसको देना होगा. अब यहाँ से हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. न्यूट इज गोइंग टू कमेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन 6th April 2021 बट इज अनश्योर वेदर टू रन हिज बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर और टू ट्रेड वाया लिमिटेड कंपनी एम्फीबियन लिमिटेड. इन ईदर केस न्यूट के जो प्रॉफिट्स होंगे दैट विल बी 1 lakh बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन. ये क्या चीज है जी, ब्रैकेट्स में जो लिखा है, ये क्या चीज है? बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी डायरेक्टर रिम्यूनरेशन और ट्रेडिंग बाय कंपनी, अगर कंपनी से करा होगा तो फिर उसको वो डायरेक्टर्स की सैलरी और वो से अपॉइंट करने का वो ये वो चीज है. बिल्कुल ठीक है, सैलरी बोनस उसका पूरा पैकेज, लेकिन ये जो 1 lakh है अभी इसमें से ये माइनस नहीं हुई भी चीज है जो उससे पहले गए. ठीक है, ओके. अब अगर वो कंपनी के उस पर है तो ही इज कंसिडरिंग 3 alternative approaches टू एक्सट्रैक्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम एम्फीमियन लिमिटेड. फर्स्ट, एंटायर प्रॉफिट्स विल बी विड्रॉन एज डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन. वो कहते हैं कि उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ ले जाएगा, डायरेक्टर को दे देगा. After did, उन्होंने NIC निकाल के दे दिया खुद ही. ठीक है, ओके. और वो अलाउंस 4000 जो अलाउंस होता है वो उसको नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज दी ओनली, मतलब खुद ही है ये डायरेक्टर, ये खुद ही है. ठीक है, कोई और नहीं है. सेकेंड, द एंटायर नेट ऑफ टैक्स प्रॉफिट्स विल बी विड्रॉन इज डिविडेंड्स. अब वो दूसरा ऑल्टरनेटिव कहता है कि जितने भी मेरे प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे मैं डिविडेंड के तौर पे ले जाता हूँ. डिविडेंड भी जो है वो इसी को मिलेगा, ठीक है, टैक्स देने के बाद. न्यूट विल पे हिमसेल्फ ग्रॉस डायरेक्टर्स और रिम्यूनरेशन ऑफ 8000, डिविडेंड्स ऑफ 50000. एम्फीबियन विल मेक अ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10000 इनटू अ कंपनी पेंशन स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ न्यूट विद द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट्स रिमेनिंग अनड्रॉन विद इन द न्यू कंपनी. थर्ड ऑप्शन समझ आता है, वो कहता है वो खुद को सैलरी भी देगा, डिविडेंड भी देगा, अपने लिए पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेगा और जो बच जाएगा वो कंपनी में ही रहेगा. ठीक है, ओके. अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की गई है, ठीक है, अभी आपके सामने है. नाउ हाउ इज दैट डन, ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखा आपने सबसे पहले, ये किसकी बात हो रही है, न्यूट की, जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये उसका अपना बिजनेस है जी. तो ये वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है. सो प्रॉफिट इज देयर, पर्सनल अलाउंस माइनस हुआ, टैक्सेबल इनकम आ गई. कौन सा बेसिक रेट है या हायर है? आंसर, व्हाट इज इट, बेसिक और हायर? ये तो उसमें आता है ना, कुछ बेसिक में आएगा कुछ हायर. राइट नाउ ही इज अ हायर रेट टैक्स पेयर. अब जब वो टैक्स होगा तो फिर आप उसको ब्रेकअप करेंगे, ठीक है. सो दिस इज लाइक फॉर द बेसिक, ये बेसिक रेट बैंड उसका फिल हो गया, रिमेनिंग हायर में चला गया. उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, 27,432. This is his total income tax liability, but this is not as a company, this is as an individual. Okay, self-employed है वो, यानी वो trader है. तो उसका NIC simple सा calculate कर लिया for the entire year, 3.05 आपको tax table में दिया होगा.
मल्टीप्लाई बाय 52 ये आपका एनआईसी आ गया। क्लास 4 एनआईसी कैसे आएगा, 1 लाख उसका प्रॉफिट है, तो ये बैंड लगाए 9% और 2% पे, ये आपका क्लास 4 एनआईसी आराम से आ जाएगा। ये गलती इसके अंदर हो ही नहीं सकती जब आप प्रॉपरली टैक्स टेबल से बैंड्स यूज करेंगे और आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी। ठीक है, नाउ सेकेंड इज देयर, लिमिटेड कंपनी के तौर पे अगर वो ऑपरेट करता है और उसकी डायरेक्टर की सैलरी की बात है तो क्या होगा, इसमें से उसने क्या माइनस किया, 11,000 जो क्लास 1 एनआईसी था, ठीक है, ये उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 1 लाख प्रॉफिट है, 1 लाख में से आपने एनआईसी में दे दिए 11,000, अब कितने बचे, 88, तो ये आपने अपनी सैलरी के तौर पे रख लिया, राइट जी। देन पर्सनल अलाउंस माइनस, ये टैक्सेबल इनकम है, वही प्रोसीजर है पूरा, तो इस तरह आपकी लाइबिलिटी आती है। फर्स्ट लाइबिलिटी आपकी कैसी है, 27,000 एंड नाउ इट इज 23, इट्स लेस। लेकिन अब क्लास 1 एनआईसी देखते हैं, 5,658, ठीक है, क्लास 1 वाई बिकॉज ये एम्प्लॉई है, डायरेक्टर है, तो एम्प्लॉई का लेंगे हम इसके अंदर। और ओके, नाउ द सेकंड इज डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स के लिए क्या होगा, पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, देयर विल बी नो क्लास 1 एनआईसी, कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी इसकी, आपने 1 लाख लिया प्रॉफिट्स डायरेक्ट 19%, 19,000 उसकी CTL आ गई, आप ये डिडक्ट कर देंगे तो डिविडेंड्स आ जाएंगे 81, ठीक है, अब ये उसने 81 यहाँ पे लिए एज एन इनकम, अब उसकी कितनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, पर्सनल अलाउंस माइनस टैक्सेबल इनकम 2,000 एग्जेम्प्ट होता है, जीरो, बेसिक रेट पहले फेल होगा 7.5 पे, फिर हायर जाएगा 32.5 पे, उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ गई। ये सिंपल सिंपल एक्सेल पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। मैंने वो एक्सेल पे मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मेरा तो उस पे बड़े बुरा हाल था, शायद यही वजह थी, मैं इसी वजह से मेरे पास नहीं थे, और जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स एक्सेल के बगैर सीबी हो ही नहीं सकता, आई एम अमेज्ड कि आपने एक्सेल के बगैर अटेम्प्ट ही क्यों किया, मतलब इट्स डेंजरस, एक होता है ना कॉन्सेप्ट खराब हो किसी बच्चे का तो वो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, अगर स्किल्स आपकी मतलब नहीं बिल्ट इन तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करो उसको, पहले अपनी स्किल्स सही करें, आप ACC यही तो चाहते हैं। मुझे ये चीजें किसी ने कभी बताई ही नहीं थी, ओके, जिनसे मैं कभी ये पढ़ता रहा हूं, उन्होंने मुझे ये चीजें बताई ही नहीं थी। चलो अब आप डिपेंड नहीं करो किसी पे भी, इवन मुझ पे भी नहीं, आप सेल्फ एक्सप्लोर करो चीजें, और दैट्स ट्रू के गाइड करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन अगर कोई कह रहा है खुद को कि मैं टीचर हूँ तो ये उसका काम है कि वो ये करे जी। ओके, अब दूसरा ऑल्टरनेटिव जो उसके पास था मिक्स्ड पैकेज, जिसके अंदर इसमें जो आखिरी ऑप्शन है उसमें क्या कर रहा है, वो 8,000 दे रहा है खुद को, ठीक है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन अभी इधर नहीं आएगी बिकॉज वो इनकम नहीं है, डिविडेंड दे रहा था 50,000, ये जैसे हम परफॉर्मर बनाते थे बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, नॉर्मली, ओके जी। अब यहाँ पे कोई क्लास 1 एनआईसी नहीं होगी क्योंकि उसकी अर्निंग्स 8,000 से कम है, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा खुद ही, ठीक है, और जब कंपनी के तौर पे वो खुद को टैक्स अगर उसको पे करना है तो किस तरह करेगा, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे डायरेक्टर की सैलरी, पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और फिर 19% पे CTL, तो ये समरी बना दी उसने यहाँ पे, ठीक है। पेपर में वो आपसे इस तरह कहेगा कि सारे 10 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है इस तरह का, तो वो हर ऑप्शन के आपसे इस तरह कैलकुलेशंस करवाएगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक्सेल जिसका स्ट्रांग है वो आराम से, परफॉर्मा आपको याद है, आपने वो करना है एंड यू कैन ईजिली डू सो, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर सम कमेंट्स ओवर हियर, द मिक्स्ड पैकेज अपीयर्स टू बी द मोस्ट बेनिफिशियल, ऑल्दो 16,000 आपको अगर रिकमेंडेशन वो पूछता है तो आपको देनी होगी, दिस इज नॉट एन इशू इफ प्रॉफिट्स नीड टू बी रिटेन्ड विद इन द कंपनी, ऑल्सो न्यूट विल नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द 10,000 पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन अंटिल ही रिटायर्स, however this approach to pension saving is more beneficial than newt personally making contributions out of his taxed income, पेंशन मतलब सारे कमेंट्स करने हैं आपने हर अल्टरनेटिव पे, अगर वो सोल ट्रेडर पे ऑपरेट करता है तो उसको कितना फायदा है, अगर कंपनी पे करता है तो कितना फायदा है, ये जब आप सॉल्व करेंगे रिजल्ट देखेंगे उसकी बेसिस पे आपने अपने सिनेरियोस को डिस्कस करना है, इन्होंने ज्यादा डिटेल में कर दिया है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पेपर में 4 मार्क्स से ज्यादा वो नहीं देगा, ठीक है, तो इट्स जस्ट
लाइक इट व्हेन आपने बस आंसर्स लिखना और बताने देयर इज मोर, और उसको जैसे पेंशन का उसको फायदा किस में, सिर्फ और सिर्फ उस ऑप्शन में, तो आप बता सकते हैं उसको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए मोर और लेस, बस इस तरह 2 to 3 marks के लिए, दैट्स इट. अब आते हैं IST CGT पे, वो क्या चीज़ थी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और NICs. अब ये किसके परस्पेक्टिव पे, IST CGT. अच्छा एक बात है, एग्जामिनर ने खुद कह दिया है वो कभी भी इसको एग्जामिन नहीं करेगा, जिस क्वेश्चन के अंदर IST भी आ रहा है और CGT भी आ रहा है वो टैक्स लेवल पे इसको एग्जामिन नहीं करेगा. अगर आप ATX रखेंगे पी सीरीज में तो वहाँ ये चीज़ होगी, ठीक है, ओके. लेकिन अब यहाँ पे एग्जामिन क्या होता है, एग्जामिन ये चीज़ होती है, सिर्फ क्वेश्चन में भी है, आप जब गिफ्ट करते हो ना जिंदगी में किसी को, ठीक है, तो वो CGT परस्पेक्टिव के लिए डिस्पोजल है. आप अगर गेन है तो आप टैक्स दोगे, और जब आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ IST पर्पस के लिए क्या क्लासिफाई होती है, लाइफ टाइम गिफ्ट, PET और CLT ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. सो अब ये केसेस इसके अंदर हैं, तो अब ये एग्जाम्पल देखते हैं. डेनियल मेड अ गिफ्ट टू हिज सन ऑफ 15,000 शेयर्स इन ABC लिमिटेड. अब उसने अपने बेटे, अब IST पर्पस के लिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, सही है, बिफोर और आफ्टर वाला, और वैसे CGT परस्पेक्टिव के लिए कुछ और है. सो बिफोर द ट्रांसफर डेनियल ओन्ड 60,000 शेयर्स आउट ऑफ ABC लिमिटेड इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 1 lakh. 1 lakh में से 60,000 इसके पास थे, ठीक है, और इसने कितने ट्रांसफर कर दिए, 18 के थे, ओके, ये होल्डिंग है. हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इफ यू रिमेम्बर, मेरे हैंड आउट में भी हैं. डेनियल सन रिसीव्ड अ 15% शेयर होल्डिंग वैल्यूड एट 120,000. डेनियल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम लेंगे बिफोर द गिफ्ट. बिफोर द गिफ्ट कितने शेयर्स हैं, 60,000. 60,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh, तो कितने परसेंट होल्डिंग आ जाएगी उसकी, 60%. वेरी गुड, तो 18 आ गया ये, ठीक है, ये आपने उसकी वैल्यू निकाल ली. वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड आफ्टर द ट्रांसफर, 15% आपने दे दिया, ठीक है, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, लाइक 60,000, बेसिकली ये 60,000 में से 15,000 आपने दे दिए, तो आपके पास अब 45 रिमेनिंग है, ठीक है, उसकी आपने, अच्छा, उसी 100 में से, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस. जब उसने लिखा होता है ना 15% ऑफ द शेयर होल्डिंग, तो वो टोटल की बात कर रहा है, वो इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुद 60% उसी का है, ठीक है. यहाँ पे ये भी मतलब गलती हो तो सकती है, लेकिन नहीं करनी, ठीक है, तो ये आपने उसकी 45% पे ली 10, और ये इस तरह उसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इन कंट्रास्ट फॉर CGT पर्पज द वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जो कि कितनी है, 120,000. ये IST के लिए ये वाली वैल्यू है, और उसके लिए 120 जो दी हुई है CGT के लिए, वो तो मार्केट वैल्यू देखेगा, क्योंकि उसको डेथ लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है. अब जब टैक्स प्लानिंग कंसर्न है, अ लाइफ टाइम गिफ्ट कैन अवॉइड और रिड्यूस दी IST डैट वुड अराइज इफ एसेट्स वर रिटेन्ड अंटिल डेथ. ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लिख भी सकते हैं, इम्प्लीकेशन है या नहीं है आप बता सकते हैं. कोई CGT इम्प्लीकेशन क्यों नहीं होगी अगर वो एसेट अपने पास रखे, क्योंकि ट्रांसफर्स ऑन डेथ आर एग्जाम डिस्पोजल्स. ये बातें सारी पढ़ी में लिखी हुई हैं. आगे आते हैं. ऑन 20 June 2021 क्रेग मेड अ गिफ्ट टू हिज ग्रैंडसन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 250,000, और गेन हो गया उसको 145 का. क्रेग ने अपने ग्रैंडसन को गिफ्ट किया और उसको गेन हो जाता है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. अच्छा अब वो इंक्रीज हो गई 3 lakh से, और फिर 5 साल बाद 340,000. क्रेग इज एन एडिशनल रेट टैक्स पेयर, कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई लाइफ टाइम गिफ्ट नहीं है, और उसकी स्टेट की जो वैल्यू है वो 20 lakh, ओके, 20 lakh से IST के. लेकिन वो आपसे कह रहा है मुझे कैलकुलेट करके दो CGT लाइब्रेरी. अब वो स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को आप एक माइंडसेट से पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन में कहीं. आपको CGT IST में हमेशा ये देखना है रिक्वायरमेंट, वो आपसे IST का कुछ नहीं मांग रहा, तो आपने CGT पे जाना है स्ट्रेट अवे. तो अब शुरू से पढ़ते हैं फिर इसको दोबारा से, ठीक है. गेन है चार्जेबल गेन, तो हमने यहाँ लिख दिया, इसमें से AEA माइनस होगी, बस हायर रेट उसने बता दिया, एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, और क्या है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली आपने इसको 28% पे कर दिया, क्योंकि बेसिक हमेशा इनकम फिल करवाती है, तो वो हो चुका होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम थी या ट्रेडिंग वट एवर.
नाउ खत्म. अब आ जाते क्रेग डाइज ऑन 31st December 2028 या फिर 5 साल पहले. दो डेट्स हैं उसकी डेथ की. अब अगर हम डेथ की पर्सपेक्टिव से देखें, जो इसने गिफ्ट किया था वो क्या है? पीटी है. ग्रैंड सन को किया, ट्रस्ट को तो नहीं किया जो सीएलटी होगा. अगर वो 31st December तक जिंदा रहा तो पीटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 7 साल पूरे हो जाएंगे. पूरे हो जाएंगे. उसने गिफ्ट किया कब है? डेट देखते हैं, 2021 में. ठीक है. ठीक है, लेकिन 2023 में नहीं होंगे, राइट? दो साल होंगे सिर्फ. यहाँ पे तो पूरे होगा तो उसका एग्जेम्प्ट हो गया. तो उसको सेविंग्स कैसे हो जाएंगी? 340,000 मल्टीप्लाई एट द रेट ऑफ द आईएसटी जो 40% है. ठीक है, तो ये उसको सेविंग, उसको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अगर ये क्वेश्चन पूछता कि उसको कितना टैक्स देना है, सही है, अगर सपोज करो वो एग्जाम ना होता तो भी इसका ये आंसर होता. लेकिन अभी क्या है, वो आप सेविंग्स बता रहे हैं कितना टैक्स उसका बचेगा बिकॉज एग्जाम्ड हो गया. ठीक है. ठीक है, सो अ लाइफ टाइम गुड लाइफ टाइम गिफ्ट बेनिफिशियल है, जैसे कहते हैं जिंदगी में दे दें आप चीजें डिस्पाइट द, लेकिन वही बात है, उसको उस वक्त अगर वो देगा तो जिंदगी में उसको टैक्स पे करना है. ये तो हम मरने के बाद की बातें कर रहे हैं, सेविंग्स हो रही हैं. ठीक है, और सेविंग्स उस शख्स के लिए नहीं होंगी, वो तो गॉन. वो तो एग्जैक्टली जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको फायदा है. यस, लेकिन वही बात है, गिफ्ट वो करेगा तो अगले बंदे को फायदा होगा. और उसको 37,000 अपनी लाइफ में ही उसने दे दिए अपने ग्रैंडसन को जब उसने गिफ्ट किया है तो. ठीक है, वो भी एडिशनल टैक्स पेयर था उसका, वट एवर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर. सो लेकिन उसकी सेविंग्स कितनी हो गई अगली जनरेशन के लिए? 1,36,000. तो आप ये देख लें आज और बाद में. अच्छा, नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट पर आते हैं. अगर 23 में उसकी डेथ होती है, ठीक है, तो क्या होगा? घर की वैल्यू 3,00,000 है, वो बताया हुआ है. पहले की वैल्यू कितनी है? 250. तो वैल्यू इंक्रीज कितने से हो गई? 50,000. इस पे उसको आईएसटी सेव हो गया. ठीक है, ओके. और गिफ्ट विल नो लॉन्गर अपीयर टू बी बेनिफिशियल बिकॉज सीजीटी. अब ये अब आप इसमें देख लें कि ये जो इसको 50,000 का इंक्रीज हुआ है, गेन हुआ है, इसके ऊपर इसको चार्ज. नो, दिस इज नॉट गेन. ये किसने बोला है गेन है? ये देखो, जब उसने घर दिया है तो कितने का था? 2,50,000 का. जी ठीक है, जब वो मरा है तो कितने का है? 3,00,000. 3,00,000. ठीक है, तो जो इंक्रीज हुई ना वैल्यू, वो टैक्स नहीं देना आपको उसके ऊपर. मतलब ये कसूर थोड़ी है किसी का. मैं अगर किसी को चीज दूं 10 साल बाद, जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी. और अगर वो जिस बंदे को मिलती है वो टैक्स थोड़ी देगा उसके ऊपर, उसका टैक्स सेव होगा. अगर मैं ये आज नहीं देती ना, हाँ, तो फिर उसको तो वो सेविंग्स पूछ रहा है आपसे. तो इसलिए आपको एक पॉइंट याद होगा, हैंड आउट में लिखा हुआ भी है कि अगर एसेट अप्रिशिएट करता है उसकी वैल्यू फ्रीज हो जाती है जिस टाइम पर आप देते हैं. ठीक है, ओके, यही बात है. अच्छा, सीजीटी 37 है और आईएसटी की सेविंग हो रही है 20, तो ये बेनिफिशियल नहीं है, सही है? ठीक है, ओके. अब अगले पर आते हैं. अनदर टाइप ऑफ सिनेरियो जो एग्जाम. अच्छा, इसमें से कोई एक ही सिनेरियो आता है. ठीक है, ज्यादातर इनकम टैक्स पे चीज जा रही होती है, सीजीटी आईएसटी बहुत कम आता है, लेकिन आ भी सकता है, वो इसी तरह के पैटर्न पर आएगा. अच्छा, अब दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव पे भी आ सकता है. Tobias has recently inherited the residue of his aunt Mildred's estate और वो अब IST को यूज करेगा आगे. क्या यूज करता है? कहता है वो पैसे पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकता है 10,000. इनकम उसकी एडजस्टेड इनकम 240 से ज्यादा की नहीं है. डू यू रिमेंबर द एनुअल अलाउंस एंड ऑल द पेंशन थिंग्स आउट देयर? हाँ जी. ठीक है, वो है यहाँ पे. Tobias has been self-employed since 6th April 2019 और वो मेंबर भी है. ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और ग्रॉस पीपीसी, ओके, ये चीजें यहाँ दी हुई हैं. 3 साल की 32,000 उसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, 44 पे 26 किया, 78 पे 10 किया. अब वो कैश गिफ्ट कर रही है अपनी बेटी को व्हेन शी गेट्स मैरिड, मतलब एक मैरिज गिफ्ट है 1,00,000. पेरेंट की तरफ से कितना अलाउड होता है मैरिज एग्जेम्पशन? 5,000. यस, ठीक है. अब वो कितने का दे रही है? 1,00,000. 1,00,000. Tobias will invest the maximum possible amount into an ISA. 5,400 वो कर चुकी है, 6,200 भी कर चुकी है. कितनी लिमिट होती है किसकी? ISA की. इसकी तो 1,000,000 है. 20,000 क्या हो गया? 20. 1,000,000 AIA है. 20,000. सॉरी, ओके. पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन की तरफ अब आते हैं.
तो अब हमने ये देखना है कि उसकी जो अर्निंग्स हैं, अब रेलिवेंट अर्निंग्स कैसे निकलती हैं, जो आपकी अर्निंग्स हैं माइनस योर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कितनी है? 68,000, ठीक है। अब किस तरह रिस्ट्रिक्ट होगा, अलाउड कितनी होती है? 40, ठीक है। आप कितनी कर चुके हैं? 10, बची हुई कितनी है? 30, सही है। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा पिछले साल से, वो कितना आ जाएगा? 14। तो आप कितनी लिमिट मतलब क्रॉस कर, सॉरी कितनी लिमिट आपकी बन सकती है कॉन्ट्रीब्यूशन की? 44,000। इससे ज्यादा करेंगे फिर एनुअल अलाउंस चार्ज देना पड़ेगा। जो उसने गिफ्ट किया है अपनी बेटी को, पीटी तो है, लेकिन 1 लाख में से 5,000 निकाल देंगे, 6,000 एग्जेम्पशंस, तो 89 उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर वो 60 सालों के अंदर अंदर मर गई तो क्या होगा? एनआरबी रिड्यूस हो जाएगा 89,000 से भी। नो दिस थिंग, मतलब मुझे तो खैर पढ़ाते हुए भी दोबारा वो हो रहा है कि ये हम कवर कर चुके हैं। आइजा 20,000 की लिमिट होती है, पहले से 5,400 कर दिया, मजीद कितना कर सकती है? 14,000। तो मतलब ये एक एक दो दो नंबर की चीज है। मैरिड कपल्स, ठीक है, एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, टैक्स कैन बी सेव्ड बाय एलोकेटिंग सेविंग्स। वो अगेन वही बात है, आप स्पाउसेस के साथ, अगर इफ यू हैव अ पार्टनर, और आप प्लान कर सकते हैं अपना, हाँ प्लानिंग कर सकते हैं अच्छे से, जॉइंट आप एसेट्स ले सकते हैं, अपना पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर कर सकते हैं 20%, तो देन आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैरिड कपल्स नहीं मतलब करते ये चीजें, यू नो दे लिव सेपरेटली एंड ऑल, तो फिर वो मतलब मुझे लगता है यूके में फिर वो टैक्सेस ही पे करते होंगे, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नाइजल एंड नुक वाला। नाइजल एंड नुक आर अ मैरिड कपल, नाइजल की सैलरी 160, अब खुद बताओ ये एडिशनल रेट टैक्स पेयर है, राइट, 150 से ज्यादा है। हाँ, सेविंग्स इनकम इसको 400 है, क्या सेविंग्स इसकी एग्जेम्प्ट होंगी? हाँ जी, ये नो बेसिक रेट टैक्स पेयर के लिए 1,000 की एग्जेम्पशन है, हायर के लिए 500 है, ये एडिशनल है, इसको नहीं होगी, ये 400 पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। ये बातें याद रखने की हैं सलमान। ओके, नुक की सैलरी 65 है, ये हायर है, और इसकी डिविडेंड इनकम है 3,800, 2,000 की एग्जेम्पशन इसको मिल जाएगी, ठीक है। Nigel is an additional rate taxpayer, so he does not receive any savings. अभी क्वेश्चन ने खुद बता दिया, अब मैं कहूंगी स्टूडेंट मतलब अगर नहीं गेट करता तो देन उसको टैक्स स्टूडेंट ही नहीं कहना चाहिए, उसको बैंड का फायदा नहीं होगा। नुक हायर रेट टैक्सपेयर है, तो इसकी सेविंग्स इनकम ही नहीं है, तो इसका ये बैंड बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करे, ये अपनी एक मिनट, इसमें हस्बैंड कौन है? Nigel is the husband. Okay. So Nigel का कोई, तो उसकी वाइफ को क्या करना है कि वो 500 का बैंड जो है अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दे, तो सेविंग्स हो जाएंगी। और कितने पर होंगी? एडिशनल पर, रिमेम्बर। तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, आपको जरूरत नहीं है स्टेप बाय स्टेप करने की, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 400, तो उसको सेविंग्स हो जाएंगी 180 की, मतलब उसको ये टैक्स नहीं देना चाहिए। ओके, अब नुक की बात करते हैं दोबारा से। अच्छा, नुक का क्या है कि वो डिविडेंड के लिए 2,000 तो उसने अपना एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन अब बाकी बचा हुआ है 1,800, तो हायर पे वो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नाइजल का एनआरबी बचा हुआ है, उसके तो 2,000 बचे हुए हैं ना, उसका तो डिविडेंड ही नहीं है, तो ये 1,800 वो वहां दे दे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएंगी 585। ओके, सीजीटी कंसर्न है, तो अगर किसी स्पाउस ने, पार्टनर ने एईए यूज नहीं किया है, ठीक है, तो फिर एसेट आप ट्रांसफर कर सकते हो, ज्वाइंट करा सकते हैं, ये सब चीजें करवा सकते हैं। तो आप भी कमेंट्स में ऐसे ही लिखेंगे जब इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो, ठीक है। अजम्पशंस लिखो पेपर में, मना नहीं है, वैलिड होंगी, एग्जामिनर मार्क्स देगा, उसको समझ आएगी अगर बात, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब फजूल की चीजें लिखोगे ना जाके उसके अंदर, वो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। अब इसको इसको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आदम एंड ज़ोआ आर अ मैरिड कपल, बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी टैक्स प्लानिंग मेजर्स, आपने एक फोरकास्ट बनाया। अब यू नो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि वो जाके टैक्स एडवाइजर के पास जाके बताएंगे, हमारी टैक्स पोजिशन बता दें, यू नो हम हमारी ये इनकम है, ये सब चीज़ें, तो वो आप उसको मशवरा देगा। ACCA चाहते हैं कि आप भी इसी तरह सोचें, आप भी किसी को एडवाइस करें, कोई भी चीज़ पढ़ते हो अगर आप किसी को एडवाइस नहीं कर सकते, सजेस्ट नहीं कर सकते कुछ भी रकम, तो फायदा ही नहीं आपका वो पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रही आप मतलब आप मशवरे उठा उठा के देना शुरू कर दें सबको, नहीं, लेकिन आप सोचो तो कि किस कैपेसिटी में रहते हुए आप किस सिचुएशन में क्या रिकमेंड कर सकते हो,
तो अब आदम की आप देख लो, उन्होंने लाइबिलिटी निकाल के दी हुई है, ठीक है। उसकी इनकम थी 106 और डायरेक्टर की रेमुनरेशन 94 और डिविडेंड इनकम है 12,000। कैपिटल लॉस उसका पिछला पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, उसकी ये लाइबिलिटी निकाल दी, फाइन। जो के लिए भी कर दिया, ठीक है। उसकी इनकम 18,000 थी, एम्प्लॉयमेंट है पूरी की पूरी, सीजीटी लाइबिलिटी है, कोई शेयर्स वगैरह उसको गेन हुआ था और वो बता दिया रिलीफ भी नहीं है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग मेजर्स, आफ्टर अ मीटिंग यू आइडेंटिफाई टू टैक्स प्लानिंग मेजर्स, आदम्स कोटेड शेयर, उसने कहा कि जो आदम के शेयर्स हैं वो जो को दे दो, उसके नाम पे डाल दो, ठीक है, और 50% डिविडेंड उधर कर दें आप। अभी आदम को डिविडेंड का कितना है, 12, सही है, तो 6-6 वो कर लें जी, ताकि वो दोनों अपना 2000-2000 बैंड यूज कर सकेंगे, ठीक है। और जो जो के शेयर्स हैं वो भी ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आप देखते हैं इनकी रिवाइज लाइबिलिटी। डायरेक्टर्स रिमुनरेशन कितना है, ये रहा 94,000, ठीक है। सब चीजें रिकॉर्ड की 94,600, ठीक है, और ये आपने पूरा इसको टैक्स कर दिया, ये 1,00,000 हो गया, तो पर्सनल अलाउंस इसको मिल जाएगा पूरा। अगर ये 6,000 यहाँ पे नहीं करता और 12 ही रखता तो ये 1,00,000 से ज्यादा होता, उसका पर्सनल अलाउंस टेपर हो जाता, काम हो जाता, ठीक है। तो ये फायदा हो गया इसको यहाँ पे, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई इसकी, बिल्कुल आराम से, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नेक्स्ट सीजीटी के लिए क्या होगा, चार्जेबल गेन को भी आपने 50 कर दिया, एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट, कैपिटल लॉसेस भी माइनस हो गए, ठीक है, जीरो क्लियर हो गया। अब जो के साथ क्या होगा, उसकी इनकम 18,000 उसकी इनकम थी, डिविडेंड उसको मिल गया, ठीक है, उसकी इनकम जितना मर्जी बढ़ा दे। ये अगर आप थोड़ा इसे स्क्रॉल अप करें, यहाँ पे जहाँ पे ये जीरो लिखा हुआ है, अगर 23,000 में से ये अमाउंट्स माइनस करें, अगर माइनस में कोई आ रही हो तो हमें जीरो ही लिखना है ना, इसको तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, वही जीरो पे आंसर है, हाँ होगा जीरो ही, यस, लेकिन लॉस बच जाएगा, सारा नहीं होगा, फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ, अगर माइनस में कोई वो, हाँ जीरो लिखेंगे, यप यप जीरो लिखेंगे, ठीक, ओके। इसको 6 अगर आप दे भी दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ये बेसिक में ही है और अभी भी इसकी बहुत जगह खाली है, ठीक है। तो ये पर्सनल अलाउंस गया, इनकम टैक्स लायबिलिटी इतनी हो गई। अब सेविंग्स कितनी हुई है, अच्छा इसका सीजीटी भी देख लेते हैं, वो तो यही आएगा इसका, ठीक है। इसके कोई लॉसेस वगैरह नहीं थे तो ये 10% पे आपने इसको टैक्स कर दिया। अब सेविंग्स देखें जो क्वेश्चन में दी थी, ठीक है, वो आप देखेंगे और आप बताएंगे सेविंग्स कितनी है 5,000 से। ये कैसे हुई है, ये 50-50 जॉइंट ओनरशिप की वजह से हुई है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। इस चीज को जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो है वर्किंग एट द मार्जिन, ठीक है। तो वर्किंग एट द मार्जिन का क्या मतलब है कि पूरा परफॉर्मा बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप सेविंग्स निकाल रहे हैं तो बस आप माइंड में रखें कि हायर पे हो रही है, एडिशनल पे या बेसिक पे, वो रेट लगा दें। जैसे अभी ऊपर है 45% पे कर दिया, 400 डायरेक्ट, ये वर्किंग एट द मार्जिन, टाइम सेव होता है, इससे आंसर भी क्विक आता है। ये एग्जामिनर भी यही चाहता है, मैं भी यही चाहती हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो डायरेक्ट है, मैं बताती हूँ, हारोल्ड एंड इंग्रिड मैरिड कपल, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका प्रॉफिट है 1,00,000, कोई और इनकम नहीं है, ठीक है। कपल वांट टू नो अगर ये पार्टनरशिप में चले जाएं, पार्टनरशिप का रेशियो कैसे है 75-25, ठीक है, ओके। अभी इधर आए, जब जाहिर सी बात है, अब वो सेविंग्स पूछ रहा है, जब वो 1,00,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, उसका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, सही है, जब वो 25% यू नो क्या कहना चाहिए, उसके पास रहेगा सिर्फ, सही है, लाइक 25% इंग्रिड को जा रहा है, सॉरी, तो प्रॉफिट में से ये कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, ये पूरा लाख, ये पूरा का पूरा 1,00,000 तो उसको नहीं मिलेगा, जब वो उसको क्या कहते हैं अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ उसको शेयर कर रहे हैं दोनों, तो इंग्रिड को जब 25% जा रहे हैं तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया 25,000 से, 75 इसको मिलेगा और ये कम हो गया। इनकम टैक्स की सेविंग्स 20, अब जाहिर सी बात है ना, जब 25,000 चला गया उसके पास से तो उसको टैक्स नहीं देना उसके ऊपर, वो तो इंग्रिड देगी, तो हायर पे सेविंग हो गई। ये देखो उसने 40% क्या लगाया है, हायर का 40% है डायरेक्ट, उसने ये नहीं किया पूरा परफॉर्मा बनाया फिर, नहीं, उसने डायरेक्ट क्लास 4 भी आपको पता है 25,000, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, पार्टनरशिप पे जा रहे हो तो क्लास 4 नहीं देनी आपको, तो जो ये चीज है जो नहीं करना,
सेविंग्स कैलकुलेट करते हुए माइंड में रखो जो नहीं है, आज पहले जो था अब चला गया तो अब सेविंग्स हैं, यही माइंड में अप्रोच होती है पॉजिटिव। आज आपके पास से एक चीज़ चली गई तो उसके कॉस्ट भी चली जाती है, उसके बेनिफिट्स भी चले जाते हैं। अगर मैं आज एक पेन से लिख सकती हूँ ना, सपोज करो मेरा ब्लैक पेन है, ठीक है, अब वो चला गया तो क्या चीज़ है कि सपोज करो भाई वो लिखते हुए इंक फैल जाती थी तो वो चीज़ भी चली गई, तो नई चीज आएगी उसकी नई चीज, तो ये आपने अप्रोच रखनी है। तो ये सेविंग्स आपने पूरी, अब इंग्रिड के लिए क्या है भाई, इंग्रिड के लिए कॉस्ट है, कैसे कॉस्ट है, अब 25,000 जो उसको मिल रहे हैं उसकी इनकम है, पर्सनल अलाउंस माइनस होगा 20% वो टैक्स देगी, क्लास 2 NIC देगी, सेल्फ एम्प्लॉयड है क्लास 4 देगी, ठीक है। तो इस तरह फिर आपने पूरी उनकी सेविंग्स बतानी है ओवरऑल कितनी हो रही है, ठीक है, प्लानिंग के लिए ऑलवेज सेविंग्स विल बी देयर, ओके। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, एंड देन इट विल एंड, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर।